संजय कुमार सागरमल सांड। संजय जी ये बताएं कि क्या किया था आपने नगरपालिका के अंदर, कोई आईटी लगा अपने सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी ली थी, उसके अंदर कुछ घोटाला समझ में आया है, क्या मामला है? मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर नगरपालिका में 5,93,140 रुपये का फर्जी रूप से यात्राएँ की गई और जिस प्रभारी CMO महेश कुमार वोरे के द्वारा ये यात्राएँ सम्पन्न की गई, ये दोनों गाड़ियाँ भी उन्हीं की है। कोई भी व्यक्ति पथ पर रहते हुए अपने निजी वाहनों को उस नगरीय निकाय में बतौर किराए पर नहीं दे सकता। इसकी शिकायत मैंने माननीय लोकायुक्त महोदय को की थी, जो कि प्रकरण वहां पंजीबद्ध हो चुका है और उसके लिए 28/11 को सचिव नगरीय निकाय को आमंत्रित प्रतिवेदन के लिए नोटिस भी जारी हो चुके हैं। अब आपके आगे क्या कार्रवाई है? लोकायुक्त ने ये प्रकरण दर्ज कर दिया है, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसके अंदर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका में ये एक नहीं और अनेक कई मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये एक प्रथम प्रकरण वहाँ पंजीबद्ध हुआ है और अब जो भी माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ से फैसला होगा वो मान्य होगा। ये लोकायुक्त महोदय ने आपकी शिकायत पे नगरपालिका को जो तलब किया है तो उसके लेटर की प्रतिलिपि आपको नहीं दी गई? नहीं, अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई, नगरपालिका के अधिकारियों को प्राप्त हो चुकी है। आगे लेटर? हाँ हाँ। मेन आरोपी आपने किसको बनाया है? मेन आरोपी है महेश कुमार वोरे, मुख्य नगरपालिका प्रभारी CMO। कितने लाख की वित्तीय अनियमितता है? 5,93,000 रुपए की। किस सूरत में की उन्होंने? ये स्वयं अकाउंटेंट के पद पर रहते हुए, अध्यक्ष प्रभारी CMO के पद पर रहते हुए इनकी निजी गाड़ियों का भुगतान इन्होंने नगरपालिका से प्राप्त किया। वो जो गाड़ियां इनकी चल रही थी वो क्या नगरपालिका में नहीं चल रही थी? क्या चल रही थी ना, तो नियम के विरुद्ध था ये? नियम विरुद्ध था कि कोई भी कर्मचारी जिस संस्था में कार्य करता है वो अपने वाहन वहाँ नहीं चला सकता और वाहन नहीं टैक्सी कोटे में दर्ज थे। सूचना के अधिकार के तहत आपने ये जानकारी कब निकाली थी? करीब 6 माह पूर्व मैंने जानकारी निकाली थी। कितना खर्चा आया था? करीब मेरे को 1,260 रुपये मैंने जमा किए थे। उसके बाद में आपने लोकायुक्त के अंदर ये जानकारी दी, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ा? वहाँ पर मैं वकील के माध्यम से मैंने इंदौर लोकायुक्त महोदय के आवेदन प्रस्तुत किया था शपथ पत्र के माध्यम से और सभी दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ उपलब्ध कराई थी। उसी के आधार पर उन्होंने लोकायुक्त महोदय भोपाल को पंजी प्रकरण प्रस्तुत किया और वो दर्ज हो गया वहाँ। ठीक, थैंक यू। आपकी शिकायत से लग रहा है कि ये यात्राएं सरकारी नौकर निजी यात्राओं के भी बिल लगाए गए नगर पालिका में? मतलब छुट्टी के दिनों की यात्राएं की गई, उसमें दस्तावेजी प्रमाण है वो निजी यात्रा है। हाँ, मतलब रविवार के दिन की यात्राएं की गई है, होली के दिन की यात्राएं की गई, गुड फ्राइडे, जबकि सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं। ऐसी कई यात्राएं की गई जहाँ नगरीय निकाय बढ़वा का कोई संबंध ही नहीं है। कुल मिला के ये निजी यात्रा का भी पैसा निकाला गया है? हाँ, यही कहा जा सकता है निजी यात्राओं के लिए उन्होंने धनराशि का दुरुपयोग किया।